हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जो इस समय प्रेजेंट टाइम जीएस 2022 और जिसकी 6 सीरीज़ आपको मिल चुकी है, सेवेंथ सीरीज है, सेवेंथ वीडियो है, इसके अंतर्गत हम लोग आज कुछ एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भारत सरकार की संस्था है, तो भारत सरकार के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो 2010 में की गई थी, 2010 में की गई थी। और इस समय जितने भी हमारे ग्रीन जोन होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो संरक्षण या प्रोटेक्शन का काम देखना होता है इनका, और इससे परमिशन लेकर ही वहाँ पर किसी प्रकार का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पर्यावरण व सतत विकास, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण व सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन, पहला अर्थ सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पहला अर्थ सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट अर्थ समिट जो है वो 1992 में आयोजित किया गया था, रियो दी जनेरियो ब्राजील, रियो डी, ये डी है वैसे, रियो डी जनेरियो, जनेरियो, रियो डी जनेरियो ब्राजील, इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, रियो समिट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड ऑफिस या मुख्यालय, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन है, UNEP, ये भी आसान प्रश्न है, कई बार पूछा है, मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNPEP का हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये केनिया के नैरोबी में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड संस्थाएं उस पर हेड ऑफिस पूछे जाते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस, ये संस्था का नाम है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड ऑफिस, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेज चेंज कर देते हैं और फिर आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। भारत में किस स्टेट में सर्वप्रथम ग्रीन हाउस फार्मिंग को प्रारंभ किया गया? किस राज्य में ग्रीन हाउस फार्मिंग को प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट, पेज पे और आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अब आपको दिख रहा होगा ये। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग को जो है सबसे पहले पंजाब में प्रारंभ किया गया था। ग्रीन हाउस फार्मिंग, एक बड़ा सा हाउस बनाकर और उसमें उस प्रभाव का और उसके द्वारा, तो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग को सबसे पहले पंजाब में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले ए जी ट्रांसले के द्वारा, ये 1935 में किया गया था। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम की बात की गई थी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले इकोलॉजी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले, एक मिनट, इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है कि हमारे इकोसिस्टम में सबसे उच्चतम पोषण, सबसे हाई लेवल या उच्चतम पोषण न्यूट्रिशन किसको प्राप्त होता है, यानी कौन से प्रकार के जीव को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है सर्वाहारी होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओमिनी वोरस। तो ओमिनी वोरस को जो है सबसे ज़्यादा पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि इकोलॉजी में, हमारे पूरे इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में, अगर हम इकोसिस्टम ही कह दें, इकोसिस्टम में
ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? एनर्जी का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी स्रोत क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, इसको जो है ये मानते हैं सोलर एनर्जी। ठीक, एक क्वेश्चन है, किस जीव को, किस ऑर्गेनिज्म को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर तथा अपघटक, डीकंपोजर, अपघटक या डीकंपोजर की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता तथा अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है तो वो है चींटी। चींटी को जो है वो दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को या ट्री को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो यूकेलिप्टस को जो है वो पर्यावरणीय संकट या एनवायरमेंटल जो है एक संकट के रूप में माना जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसकी विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अभी है एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी, सबसे परमानेंट या सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इकोसिस्टम कौन सा है? तो सबसे स्थायी इकोसिस्टम जो है सी है, महासागर है। ठीक है, सबसे परमानेंट या सबसे स्थायी इकोसिस्टम के अंतर्गत इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन इसी पेज पे कराते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पौधों की रक्षा के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन की तर्ज पर, यानी इसके पैटर्न पर, तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन संचालित किया गया था, पौधों को बचाने के लिए किया गया था? कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन हुआ। ठीक है, एपिको आंदोलन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में लागू किया गया था? तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 1972 या 1972। नेक्स्ट, इसी तरह का एक क्वेश्चन है,
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1980 में लागू किया गया, 1980 में लागू किया गया था, ठीक है, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे घोषित किया गया है? बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस डिक्लेयर किया गया है या घोषित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जैव विविधता से संबंधित, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी जहां बहुत सारे जीव हों, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोग सर्वप्रथम, जैसे अभी इकोसिस्टम आया था, किसने किया? तो नाम है वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा प्रयोग किया गया था, वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे जो आपके सामने आए। अब बच्चों इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस पॉपुलेशन से रिलेटेड या जनसंख्या से रिलेटेड देखते हैं। पॉपुलेशन या जनसंख्या से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो जनगणना 2011 के आधार पर होंगे, क्योंकि अभी जनगणना 2021 की रिपोर्ट आई नहीं है। तो जनगणना 2011 के आधार पर, और अभी जब तक अगली जनगणना नहीं आ जाती, यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग फीमेल पॉपुलेशन है, यानी महिला जनसंख्या है, फीमेल पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन का 48.53% जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है, स्त्री जनसंख्या के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र और बिहार, यूपी महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है, सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, मिनिमम जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन हैं, ठीक है। तो मिनिमम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो मैक्सिमम का मतलब हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर
या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और अगर न्यूनतम में कोई चीज पूछी जाती है तो इसको बोलते हैं अब आरोही क्रम, आरोही क्रम। मतलब ये एसेंडिंग ऑर्डर में है, एसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। अब अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, यूपी की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उससे कम किसकी होगी, महाराष्ट्र की होगी, उससे कम बिहार की होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, न्यूनतम जब पूछा जाएगा आरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम लक्षद्वीप, उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे ज्यादा दमनदीप की होगी, उससे ज्यादा दादर एवं नागर हवेली की होगी, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम मैक्सिमम, ये तो पॉपुलेशन हो गया, अब अगर यहीं पर इसी के साथ हम लोग देख लें कि मैक्सिमम और मिनिमम जनसंख्या वृद्धि दर, मैक्सिमम या अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक, मतलब पिछली जनगणना या पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किन राज्यों में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो यूपी महाराष्ट्र बिहार में है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किन राज्यों में हुई है, तो वो तीन स्टेट जो मैक्सिमम वाले हैं, जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, वो उत्तर पूर्व का राज्य है मेघालय, पहले नंबर पर मेघालय है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे बिहार, ठीक। इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है, अगर तीन राज्य देखा जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है दर है नागालैंड, माइनस में चली गई, नागालैंड माइनस 0.6% यहां की नागालैंड। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे केरल, केरल की सबसे ज्यादा कम है, उसके बाद फिर गोवा, गोवा में जो है वो मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़ा आपके सामने आया। अब हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड अगले आंकड़े पर आते हैं, नेक्स्ट जो है आपके कुछ आंकड़े हैं, क्वेश्चंस के रूप में हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, मतलब कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पर्सन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। अब इसमें एक तो होगा मैक्सिमम और दूसरा होगा मिनिमम, यानी अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो कौन से राज्यों का है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो है बिहार का, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार में, सोचिए। इसके बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे केरल, थर्ड नंबर पे केरल है 860, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। अगर मिनिमम की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17%। दूसरे नंबर पे मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम 52% पर स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम 86% पर स्क्वायर किलोमीटर,
ठीक। अब यहां पर आप देखिए, फिर एक बार मैं बताऊं कि ये आंकड़ा कौन से क्रम में है, ये अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। आप देखिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है। मैक्सिमम का आंकड़ा कभी भी अवरोही क्रम में होगा और मिनिमम का आंकड़ा हमेशा आरोही क्रम में होगा, एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में होगा। आप देखिए यहां से आप जा रहे हैं तो यह बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप इधर जाओगे, आंकड़ा क्या हो रहा है, आपका आंकड़ा इधर जा रहे हो लेकिन बढ़ोतरी हो रही है, यहां बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो ये कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों को आप जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। जिन निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही अब पूछ लिया गया, इसके अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिंगा अनुपात या सेक्स रेशियो। लिंगा अनुपात या सेक्स रेशियो, लिंगा अनुपात या सेक्स रेशियो, यानी अब लिंगानुपात या सेक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 मेल पर, पुरुषों में महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, अगर हम देखें तो मैक्सिमम अगर देखें तो केरल है, मैक्सिमम केरल है। 1000 पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं की संख्या देखी जाए तो यहाँ ज़्यादा है, 1084 है, ठीक। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर बात की जाए 996, 1000 महिलाओं पुरुषों की तुलना में 996 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है 993, ठीक। अब अगर हम मिनिमम देखें, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है जिस राज्य में है, मिनिमम लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक के बाद मिनिमम लिंगानुपात राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो राज्यों के क्रम में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी 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 गलत हो गया यहां पर, ठीक है। मिनिमम जो है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में, हरियाणा, उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा, ठीक है, 834, पंजाब 846, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 888, ठीक है। ये मिनिमम या न्यूनतम लिंगा अनुपात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूनतम लिंगा अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। अब एक आंकड़ा और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, उस पर आते हैं हम लोग, साक्षरता, लिटरेसी या साक्षरता, लिटरेसी या साक्षरता। तो हमारे यहाँ साक्षरता की परिभाषा है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता है, तो उसके आधार पर उसकी साक्षरता का निर्धारण करता है, ये माना जाता है कि वो साक्षर है। और मैक्सिमम लिटरेसी की अगर बात की जाए, अधिकतम साक्षरता की, यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम में सबसे पहले जो है वो अधिकतम साक्षरता केरल में होगी, मैक्सिमम केरल है पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, मिजोरम है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर गोवा है। ये 3 टॉप स्टेट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, जो परिभाषा है उसके अनुसार। अगर हम मिनिमम लिटरेसी की बात करें तो बिहार है, मिनिमम लिटरेसी के बाद भी बिहार हर तरह की सेवाओं में किस तरह वर्चस्व है ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम साक्षरता में, और उसके बाद फिर राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। ये
अधिकतम साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता, मिनिमम लिटरेसी के आधार पर ये बात आपके सामने आई, मैक्सिमम और मिनिमम के अंतर्गत ये बात आई। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप ये ध्यान रखना कि ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है लिखना है, सब पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे कि आप जैसे ही क्लास में बुलाए जाओ आप इसको उसी के आधार पे आप एंट्री करोगे। और इसके साथ साथ ये टेस्ट के लिए भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।